सर, आप इस मिशन शिक्षण संवाद की कार्यशाला में आए, कार्यशाला में आने के बाद आपको कैसा लगा? कार्यशाला के लिए आपकी क्या राय है? मिशन शिक्षण संवाद भदोही का जो आज प्रोग्राम किया गया है उनकी पूरी टीम द्वारा प्रशंसनीय है, और ऐसा कार्य मुझे ऐसा लगता है कि सभी शिक्षक को इसमें जुड़ना चाहिए, शामिल होना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षक का मेन उद्देश्य है वही मिशन शिक्षण संवाद का भी मेन उद्देश्य है, तो इससे सभी को जुड़ना चाहिए और ये प्रोग्राम हमेशा होते रहे जनपद या पूरे प्रदेश में, हर जनपद में हो, यही शुभकामना है मेरी। नवाचारी शिक्षकों के लिए आपका संदेश? नवाचारी शिक्षकों के लिए यही संदेश है कि वो अपने बच्चों को TLM के माध्यम से खुद अपनी सोच से कुछ नया चीज डेवलप करें और कुछ नया दें, जिससे बच्चों को जो शिक्षा विषय के अंदर की चीज़ों का ग्रहण करने में, विषय के अंदर की जो चीज़ें हैं उसको ग्रहण करने में बहुत आसानी हो। धन्यवाद सर। ओके। इस विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी हैं और मिशन शिक्षण संवाद द्वारा आयोजित यह कार्यशाला यहां आयोजित करी गई है प्राथमिक विद्यालय पलहिया में। आपका क्या राय इस कार्यशाला के विषय में क्या है? ये बहुत अच्छी कार्यशाला रही है यहाँ, जिसमें श्रद्धेय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जो है मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं, और जनपद के सभी विद्यालय से जो शिक्षण संवाद से जुड़े हुए अध्यापक हमारे हैं, नवाचार लोगों ने किया है, वो आकर के अपना प्रेजेंटेशन दिए हैं और अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है। जितने लोग यहाँ पे थे अतिथिगण, सभी लोगों ने इस संवाद की बड़ी सराहना की है। निश्चित रूप से ये अगर शिक्षण संवाद इसी तरह से कार्य करता रहेगा तो ये बेसिक शिक्षा विभाग को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मिशन शिक्षण संवाद द्वारा आयोजित ये 3 माह का कार्यशाला तीन माह के बाद किया जाता है, क्या इस पर क्या राय है कि इसको और कम किया जाए, एक माह में किया जाए या 3 माह पर्याप्त है? सर, 3 माह ठीक है, अगर कोशिश हो सके तो थोड़ा सा और कम किया जाए और कम समय में जो है इसको किया जाए, लोग जो है और इससे मोटिवेट होंगे और लोग इससे जुड़ेंगे। 1 महीना कर दिया जाए तो ठीक है, 1 महीना बढ़िया रहेगा। अध्यापकों के लिए क्या संदेश है आपके ब्लॉक के साथ? अध्यापकों का यह है कि लोग अधिक से अधिक लोग इस मिशन शिक्षण संवाद से जुड़े। मिशन शिक्षण संवाद द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में आप सम्मिलित हुए, आप इस ब्लॉक के पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं, मिशन शिक्षण संवाद द्वारा किए गए कार्यों के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो मिशन शिक्षण संवाद की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां पे निमंत्रित किया। मिशन शिक्षण संवाद जिस तरीके से कार्य कर रहा है, निश्चित रूप से बेसिक शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, और दिन प्रतिदिन हमारे अध्यापक इस टीम के साथ जुड़ते जा रहे हैं और अपने अपने विद्यालयों में नवाचार के माध्यम से जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उससे हमारे विभाग की, बेसिक शिक्षा विभाग की और समस्त विद्यालयों की निरंतर उन्नति हो रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, नए नए विचारों के माध्यम से मिल रही है, ये इस संवाद टीम का बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, हमें जहाँ तक मालूम है कि आप मिशन शिक्षण संवाद के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और बहुत सारे अध्यापक इस विकास खंड के आपसे ही प्रेरणा से वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है उन सभी अध्यापकों को कि आप सभी सेल्फ मोटिवेटेड होकर कार्य कर रहे हैं, और अपना स्थान मुझे लगता है कि फिर से वो गुरु वाला स्थान अध्यापक प्राप्त करने में निश्चित रूप से सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।